तो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू आवर यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज हम ड्राइंग करेंगे क्रेयन वैक्स के साथ, तो देखते हैं कैसी बनती है हमारी ड्राइंग और कैसे हमारा रहता है एक्सपीरियंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं मास्किंग करूंगा, तो मास्किंग करने के बाद मैं यहाँ पर सनसेट का व्यू बना जा रहा हूँ। तो इसके लिए मैं सबसे पहले सन को बनाने के लिए येलो कलर का यूज करूंगा। येलो कलर के साथ मैं सन के एरियाज को कलर कर लूंगा। तो उसके बाद मैं स्काई में थोड़ा सा रेड और पर्पल कलर की शेड देने की कोशिश करूंगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर ऑरेंज कलर को भी दूंगा। उसके बाद में यहाँ पर मैं पिंक कलर को दूंगा। यहाँ से हमें दूसरे कलर को ऐड करना है, वहाँ पर हमें नीचे वाले कलर को थोड़ा सा लाइटली शेड करना है। तो उसके बाद में यहाँ पर पर्पल कलर को दूंगा। तो ये सब होने के बाद में इसमें रेड भी रेड कलर की थोड़ी सी शेड ऐड कर दूंगा। तो इसके बाद में इसको ब्लेंड करूंगा कॉटन बड की मदद से। तो गाइस कॉटन बड से शेड करने के लिए तो बहुत ही एफर्ट लगाने पड़ते हैं। ये छोटे वाले पार्ट्स के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन बड़े वाले पार्ट के लिए बहुत ही एफर्ट करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर मैं टिशू का यूज़ करूँगा, टिशू से मैं सबको ब्लेंड कर लूँगा। तो गाइस सबको ब्लेंड करने के बाद ना ये कलर हमारे थोड़े से फेड हो गए, तो इसको मैं और एनहांस करने के लिए एक बार दोबारा से सभी कलर्स को ऐड करूंगा और उन सबको ब्लेंड कर दूंगा। तो यहाँ पर सबको ब्लेंड करने के बाद गाइस मुझे कुछ ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं लगा, कलर तो फिर से हमारे फेड हो गए। मुझे लगता है इन कलर से इतने डार्क हो सकते हैं ब्लेंडिंग के बाद। तो हम अब बाकी के पार्ट को शेड करते हैं। दूर के पार्ट को बनाने के लिए यहाँ पर पिंक पर्पल और ब्लैक का यूज़ करूँगा और इस सबको सेम मैं सैंड में भी यूज़ करूँगा और सबको ब्लेंड कर दूँगा। वाटर में सन के रिफ्लेक्शन के लिए यहाँ पर येलो कलर को दूंगा। तो उसके बाद में स्काई का रिफ्लेक्शन दूंगा ऑरेंज और रेड के साथ। तो ये सब होने के बाद इसको ब्लेंड करूँगा मैं। इसको मैं कॉटन बड की मदद से ब्लेंड करूँगा क्योंकि हमें इसमें ज़्यादा स्मूथ ब्लेंडिंग नहीं चाहिए, तो हमें वाटर में थोड़े स्ट्रोक से चाहिए। इसको ब्लेंड करने के बाद मैं ब्लैक कलर के साथ डार्क एजेस को दे दूंगा और वाटर में भी डार्क का रिफ्लेक्शन देने के लिए थोड़ा सा उसमें भी स्ट्रोक्स बना दूंगा। डार्क एरिया को करने के बाद मैं यहाँ पर ब्लेड का यूज़ करूँगा हाईलाइट्स को देने के लिए। तो मैं वाटर में थोड़े से हाईलाइट दे देता हूँ सभी हमारे सारी ड्राइंग में जहाँ जहाँ पर हाईलाइट्स चाहिए वहाँ पर मैं हाईलाइट्स दे दूँगा। तो आपको ध्यान रखना है कि हमारी शीट फट ना जाए, इस बात का ध्यान रखना है। तो व्हाइट कलर से मैं यहाँ पर पहले सन को दे देता हूँ, वाटर में रिफ्लेक्शन दे देता हूँ उसको और क्लाउड्स में भी हाईलाइट दे देता हूँ। इसके बाद में हम हमारी ड्राइंग को करेंगे टिश्यू से कवर और स्काई में थोड़े से स्टार्स बनाने के लिए मैं यहाँ पर स्प्रे करूँगा व्हाइट कलर के साथ ब्रश से। अब बीच वाले जो ट्री होते हैं कोकोनट ट्री, उसको ब्लैक कलर से उनको भी बना देता हूँ। तो ये सब होने के बाद गाइस हमारी ड्राइंग कुछ ऐसी बन गई होती है रेडी। तो आपको ये ड्राइंग कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो ऐसे और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब। इस वीडियो में नहीं गाइस, मिलते अगली वीडियो में। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।